श्री कृष्ण बच्चों, आज आप पढ़ रहे हैं हिंदी कक्षा 4 से पाठ 10। और इसके पूर्व में प्रश्न संख्या 1 से 5 को हम समझ चुके हैं। आज हम आगे के प्रश्नों को समझेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, कूड़ेदान कितने प्रकार के होते हैं? जो कूड़ेदान होते हैं उनके कितने प्रकार हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर है, कूड़ेदान 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। कूड़ेदान 3 प्रकार के होते हैं और तीनों प्रकार मैंने आपको बताया था, हरा कूड़ेदान, नीला कूड़ेदान और काला कूड़ेदान। तो अभी ये प्रश्न है कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने लिख दिया कूड़ेदान 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, कूड़ेदान के जुड़वा भाइयों के नाम बताइए। जो कूड़ेदान है इसके हमें जुड़वा भाइयों के नाम बताना है। तो इसका उत्तर है, कूड़ेदान के जुड़वा भाई हैं काला कूड़ेदान और नीला कूड़ेदान। तो जो ये कूड़ेदान है, ये कौन सा कूड़ेदान है? ये हरा है। और इस हरे कूड़ेदान के दो जुड़वा भाई कौन से हैं? काला और नीला कूड़ेदान। काला और नीला कूड़ेदान जो है वो हरे कूड़ेदान के भाई हैं। प्रश्न संख्या 8 है, रोगी व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है? रोगी यानी बीमार, रोगी का अर्थ बीमार। जो बीमार व्यक्ति होता है उसका स्वभाव कैसा होता है? तो इसका उत्तर है, रोगी व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा होता है। जो रोगी होता है, जो बीमार होता है, तो उसका स्वभाव कैसा हो जाता है? उसका स्वभाव चिड़चिड़ा होता है। प्रश्न संख्या 9, स्वच्छता कैसा कार्य है? स्वच्छता यानी साफ सफाई करना कैसा कार्य है? तो इसका उत्तर है, स्वच्छता बड़ा महान कार्य है। साफ सफाई रखना, स्वच्छता रखना कैसा कार्य होता है? बड़ा महान कार्य होता है। प्रश्न संख्या 10, पूर्व में लोग कचरा डालने के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पूर्व में लोग कचरा डालने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते थे? पूर्व में यानी पहले लोग कचरा डालने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते थे? तो इसका उत्तर है, पूर्व में लोग कचरा डालने के लिए पुरानी बाल्टी, डिब्बा या किसी टूटी हुई चीज़ का प्रयोग करते थे। पहले लोग क्या करते थे, कोई भी घर में पुरानी बाल्टी है तो पुरानी बाल्टी काम में ले लेते हैं, या कोई घर में डिब्बा है या फिर कोई टूटी हुई चीज़ है, तो कोई भी चीज़, टूटी हुई चीज़ हो, पुरानी बाल्टी, डिब्बा, उन सबको कचरा डालने के लिए प्रयोग में लेते थे। इसलिए हम यही कहेंगे कि पूर्व में लोग कचरा डालने के लिए पुरानी बाल्टी, डिब्बा या किसी टूटी हुई चीज़ का प्रयोग करते थे। लेकिन आजकल तो खैर कचरा पात्र सुंदर सुंदर आने लगे हैं कई रंगों में, तो हम कचरा पात्र का प्रयोग करते हैं। लेकिन पहले जब ये नहीं होते थे तो लोग अपने घर के पुरानी वस्तु जैसे बाल्टी, डिब्बा और टूटी हुई चीज़ को ही कचरा पात्र बना दिया करते थे। प्रश्न संख्या 11, गंदगी फैलाने के क्या परिणाम होते हैं? गंदगी फैलाने के क्या परिणाम होते हैं? अगर हम गंदगी फैलाएंगे तो फिर उसके क्या परिणाम होंगे? तो इसका उत्तर है, गंदगी फैलाने से कई प्रकार के रोग फैलने का भय रहता है और स्वास्थ्य खराब होता है, हो जाता है। अगर हम गंदगी फैलाएंगे तो फिर कई प्रकार के रोग फैलने का डर रहेगा। गंदगी फैलाने से कई तरह के रोग फैलने का भय रहता है, भय यानी डर रहता है, और स्वास्थ्य खराब होता है। अगर हम गंदगी फैलाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चारों ओर गंदगी के कारण कीटाणु हो जाएंगे और उस वजह से हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। प्रश्न संख्या 12, कूड़ेदान क्या काम करता है? कूड़ेदान यानी कचरा पात्र क्या काम करता है? तो इसका उत्तर है, कूड़ेदान गंदगी को अपने पास इकट्ठा कर लोगों को बीमारियों से बचाने का कार्य करता है। कूड़ेदान क्या काम करता है? गंदगी को अपने पास इकट्ठा कर, गंदगी को हम किस में डालते हैं? कूड़ेदान में डालते हैं, कचरे पात्र में डालते हैं। तो गंदगी को कूड़ेदान में हम डालते हैं तो वो क्या करता है? कूड़ेदान गंदगी को अपने पास इकट्ठा करता है और फिर लोगों को बीमारियों से बचाने का कार्य करता है। प्रश्न संख्या 13, कूड़ेदान कहाँ कहाँ प्रयोग में लाया जाता है? वो जो कचरा पात्र होता है वो कहाँ कहाँ प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका उत्तर है, कूड़ेदान का प्रयोग घर, स्कूल, दफ्तर, अस्पताल, सड़क, पार्क इत्यादि सब जगह किया जाता है।
कूड़ेदान जो होता है वो कहाँ कहाँ प्रयोग में लाते हैं? तो कूड़ेदान का प्रयोग घर में, स्कूल में, दफ्तर में, अस्पताल में, सड़क, पार्क, सब जगह किया जाता है, क्योंकि घर में भी कचरा है तो घर में कचरे को कूड़े घर के कचरे पात्र में डाल दिया। स्कूल में भी गंदगी फैलती है, आप लोग कोई भी कार्य करते हैं कभी आपसे गलती से पेपर फट जाता है, आप अपने पेंसिल छीलते हैं, तो कई तरह के जो कचरे होते हैं, कोई स्कूल में जब बिस्किट लाते हैं, कोई टॉफियों के रैपर्स हैं, तो कई तरह की चीज़ें होती है, तो स्कूल में गंदगी ना फैले इसलिए स्कूल में भी हम डस्टबिन रखते हैं, कचरा पात्र रखते हैं। ऑफिस, दफ्तर यानी ऑफिस में, हॉस्पिटल्स में, सड़क पे, बगीचों में, सब जगह पर कूड़े पात्र का प्रयोग किया जाता है ताकि कचरा इधर उधर ना फैले और चारों ओर साफ सफाई और स्वच्छता रहे, इसलिए हम सभी इन सभी जगहों पर कचरा पात्र को रखते हैं और यहाँ सब जगह पर कचरा पात्र का प्रयोग किया जाता है।